सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। एल्केम ओसी क्रीम जो कि एल्केम लेबोरेटरीज के द्वारा बनाई जाती है, 15 ग्राम का एक छोटा सा ट्यूब रहता है जिसका MRP 77 रुपीज़ रहता है। कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल डाले गए हैं, क्लोबेटाजोल प्रोप्योरेट, नियामाइसिन सल्फेट एंड माइकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम इसके अंदर डाला गया है जो कि ये स्किन इन्फेक्शन में काम करती है। तो इस क्रीम के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम किस किस काम आती है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आएगा कि डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम के बारे में क्या जानकारी मिले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम के अंदर कंटेंट की बात करें तो क्लोमेटाजोल प्रोप्योरेट 0.05% वेट बाय वेट डाला गया, नियोमाइसिन सल्फेट 0.5% वेट बाय वेट डाला गया, माइकोनाजोल नाइट्रेट 2% डाला गया। ये सब कंटेंट इसके अंदर डाले गए जो कि स्किन इन्फेक्शन में ये ट्रीटमेंट करती है और ये क्या करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है तो उसको प्रिवेंट करती है और किल कर देती है, जिसके कारण आपको स्किन इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो इस क्रीम को अगर आप ज़्यादा लगा रहे हो और डॉक्टर जितना रिकमेंडेड नहीं किया उससे भी ज़्यादा लगा रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे भी आप लगा रहे हो वहाँ पे आपको जलन जैसा महसूस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है और लाल लाल हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकते हैं। तो इन सब साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर जैसे एडवाइस करे तो वैसे लगाने का, जब भी इसको लगाए तो इसके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ ले और इसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट अच्छे से देख ले और जो भी आपका इफेक्टेड एरिया उसको वॉश कर दे, ड्राई कर दे, उसके बाद तौलिया से साफ कर दे और थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने हाथ में लेके जो भी इफेक्टेड एरिया वहाँ पे लगाए। तो डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम का मैकेनिज्म क्या है कि ये काम कैसे करेगी आपको लगाने के बाद और स्किन इन्फेक्शन में ये कैसे ट्रीटमेंट करेगी। डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम के अंदर कॉम्बिनेशन मेडिसिन डाला गया, 3 मेडिसिन डाला गया जैसे कि क्लोबेटाजोल, माइकोनाजोल और नियोमाइसिन डाला गया जो कि स्किन इन्फेक्शन में काम करते हैं। क्लोबेटाजोल जो कि एक स्टेरॉइड है जो कि ब्लॉक कर देता है सर्टन केमिकल मैसेंजर को जो कि रेस्पॉन्सिबल रहता है स्किन के ऊपर लाल लाल के लिए, स्वेलिंग के लिए और इची स्किन के लिए। माइकोनाजोल जो कि डाला गया जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि स्टॉप कर देती है फंगी के ग्रोथ को और प्रिवेंट करके रखती है जिसके ऊपर सेल्स वाल्स को, ताकि जो बैक्टीरिया को सेल्स वाल्स जो फंगी को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड रहता था वो नहीं मिलेगा। और नियोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है जो कि स्टॉप कर देती है बैक्टीरिया के ग्रोथ को और प्रिवेंट कर देती है उसके सिंथेटिक एसेंशियल प्रोटीन रिक्वायर्ड रहता था वो नहीं मिलेगा। तो साथ में ये तीनों अच्छे से काम करती है स्किन इन्फेक्शन के अंदर। तो डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।